सदर ने सख्त नाराजगी का इजहार कर दिया। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि वाशिंगटन के दीगर इत्तेहादियों के मुकाबले में भारत एक इस्तिस्ना है जिसका यूक्रेन की जंग में रूस के हवाले से रद्देअमल कुछ हद तक मुतसलसल रहा है। वाशिंगटन में अमरीकी कारोबारी रहनुमाओं के एक इजलास से खिताब करते हुए सदर जो बाइडन ने यूक्रेन पर रूसी हमले से मुतल्लिक बेहतर रद्देअमल का जिक्र करते हुए नेटो, यूरोपीय यूनियन और कॉर्ट ग्रुप के रुकन जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे ममालिक की खास तारीफ भी की है। अमरीका में पेट्रोल की कीमतों में होशरबा इजाफा हो गया और एक माह के दौरान पेट्रोल 60 सेंट से जायद महंगा होकर तारीख की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गया। अमरीका में फी गैलन पेट्रोल की कीमत $4.63 तक पहुंच गई। पेट्रोल महंगा होने की वजह कोरोना में कमी के बाद मुआशी सरगर्मियों में तेजी, रूस और यूक्रेन जंग और अमरीका में तेल की लाइन के एक बड़े माहदे की मनसूखी बताई जा रही है। अमरीकी रियासत एलिनॉय के शहर शिकागो में अमरीकी ताजर ने $2,00,000 यानी ₹3 करोड़ से जायद का पेट्रोल मुफ्त आवाम को देने का ऐलान कर दिया। ऐलान के मुताबिक शहर के 50 स्टेशन पर कोई भी शख्स $50 तक का पेट्रोल हासिल कर सकता है। रूस ने दुनिया को खबरदार कर दिया कि अगर इसके वजूद को खतरा लाहक हुआ तो जोहरी हथियार इस्तेमाल करने से दरेग नहीं करेंगे। तर्जमान क्रेमलिन ने कहा कि मुल्की सलामती से मुतालिक हमारे असूल मुतय्यन और पब्लिक हैं और जोहरी हथियार मुतय्यन असूलों के तहत इस्तेमाल करेंगे। अमरीकी वजारत दिफा पेंटागन के तर्जमान जॉन कर्बी ने इस हवाले से रद्देअमल का इजहार करते हुए कहा कि रूस की जानिब से जोहरी हथियारों का मुमकिन इस्तेमाल तबाहकुन हो सकता है। सऊदी अरब में योमिया केसेस में नुमाया कमी के बाद कोरोना पाबंदियों के खात्मे के साथ साथ खाना काबा और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इत्तकाफ की इजाजत दे दी गई है। आलमी वबा कोरोना के आने के 2 साल बाद खाना काबा और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इत्तकाफ की इजाजत दे दी गई है। रवां बरस माह रमजान की मुबारक सआदतों को इबादत और अज़कार से सजाने के लिए सऊदी अरब में मुकद्दस मकामात की खिदमात पर मामूर कमेटी ने अहम फैसले किए हैं। सऊदी अरब ने बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफरों पर आयद कोरोना से मुतालिक तमाम पाबंदियां खत्म कर दी हैं। यौम पाकिस्तान के मौके पर मजार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब का इनेकाद हुआ। तकरीब में पाक फजाइया के खसूसी दस्ते ने मजार इकबाल पर एजाजी गार्ड्स की जिम्मेदारी संभाली। तकरीब में एयर वाइस मार्शल जुबैर हसन खान ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की और मजार इकबाल पर फूलों की चादर चढ़ाई, साथ फातिहा ख्वानी भी की। यौम पाकिस्तान के मौके पर सरबरा पाक फजाइया एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर का बयान जारी, कहा कि इस साल यौम पाकिस्तान खसूसी अहमियत का हामिल है। यौम पाकिस्तान के हवाले से जारी पैगाम में एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर का कहना था कि 23 मार्च पाकिस्तान की तारीख में एक अहम संग मील है। 23 मार्च को मुसलमान बरसगीर ने पहली बार बाजाबता तौर पर अलहदा वतन का मुतालबा किया। एयर चीफ मार्शल ने कहा कि यौम पाकिस्तान अबाओ इजदाद की आज़ादी के लिए कुर्बानी और तवील जदोजहद की अलामत है। इस साल यौम पाकिस्तान खसूसी अहमियत का हामिल है। उन्होंने मजीद कहा कि कौम परेड के मौके पर J-10C जहाज का मुजाहरा देखेगी। J-10C हाल ही में पाक फजाइया का हिस्सा बना है। J-10C तैयारे हमारी जिद्दत पर मबनी पॉलिसी का शाहकार है। पाक बहरिया की जानिब से आज यौम पाकिस्तान के मौके पर दिन का आगाज सूबाई दारुल हुकूमत कराची में 21 तोपों की सलामी से किया गया। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक यौम पाकिस्तान की मुनासबत से पाक बहरिया की खसूसी तकरीबात जारी हैं। पाक बहरिया के तर्जमान ने मजीद बताया कि पाक बहरिया की मसाजिद में वतन अजीज की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खसूसी दवाओं का अहतमाम किया गया। तर्जमान पाक बहरिया का यह भी कहना है कि पाक बहरिया की मुख्तलिफ यूनिट्स में परचम कुशाई की तकारीब मुनक्किद की गई। मुल्क भर में नहायत जोश और जज्बे के साथ यौम पाकिस्तान मनाया जा रहा है। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में इस्लामी तआवुन तंजीम OIC के वज़ीर खारजा के इजलास का पहला रोज पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान, सऊदी वज़ीर खारजा फैसल बिन फरहान और दीगर वज़ीरे खारजा ने शिरकत की। OIC के पहले रोज सेक्रेटरी जनरल इब्राहिम ताहा और दीगर ने खिताब किए। Today I want to specially congratulate our OIC members because of a landmark resolution passed in the United Nations declaring 15th March अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाख़बर रहने के लिए देखते रहिए देसी टीवी USA या फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट
www.desitvusa.com। इसके अलावा क्लिक करें हमारे लिंक ट्री पर और सोशल मीडिया की लामहदूद दुनिया को देखें।